Hello and welcome to my channel. So this video is about biosphere, and in this video we will talk about and I will explain about what is biosphere, what is the component of biosphere, and what is the extent of biosphere, and how the and what is the working of biosphere. So in this video we will explain each and every aspect of biosphere. So सबसे पहले देखते हैं what exactly biosphere. Basically, if we summarize biosphere in word, biosphere means life. Means biosphere is the domain of life. If in the simple words, if we see, basically it is the means biosphere is the part of earth where life can exist. Means जहाँ पे भी life हो सकती है उसको हम biosphere कहते हैं. अगर इसको further detail में देखें, means ये कैसे work करता है या basically exactly होता क्या है, क्या definition है. Like the part of earth which support life and sustain various life activities, उसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर. मीन्स अर्थ का वो पार्ट जो लाइफ को सपोर्ट करे और उसको सस्टेन करने के लिए जो भी एक्टिविटी है वो प्रोवाइड करे या सपोर्ट करे उस फॉर्म को, तो इसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर. बेसिकली बायोस्फीयर क्या है, सम इट इज़ द सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम. एंड ये किस किस को इंटीग्रेट करता है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी जो रिलेशनशिप है और उनका जो इंटरेक्शन है उनको इंटीग्रेट करता है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके. अगर इसको अदर तरीके से देखें, बेसिकली जो बायोस्फीयर क्या होता है, अर्थ का जो आउटर सरफेस है वो इसको उसको सपोर्ट करती है लाइफ को. और ये इसमें क्या क्या ऐड होता है, एक तो एटमोसफियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर में जो अर्थ क्रस्ट, बेसिकली जो आउटर पार्ट है अर्थ का उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर. सपोज करिए ये एटमोसफियर है, ये लिथोस्फीयर है, एंड ये लास्ट वन इज हाइड्रोस्फीयर. तो ये जहाँ पे तीनों मर्ज होते हैं इसको क्या कहते हैं, जहाँ पे तीनों मिक्स हो जाएं जहाँ पे आके, इसको कहते हैं बायोस्फीयर. बिकॉज किसी भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए एटमॉस्फेयर का होना ज़रूरी है, बहुत सारे ऑक्सीजन, CO2 गैसेज वगैरह जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, और रहने के लिए अर्थ चाहिए, मीन्स कोई सपोर्ट चाहिए, या कुछ हाइड्रोलॉजिकल जो भी जो एक्वेटिक होते हैं उनको एक्वेटिक कंडीशंस चाहिए. और लाइक हाइड्रोस्फीयर वाटर सबको पता है लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. तो इस तरह से ये बेसिक इसके पार्ट हैं, ये इंटीग्रेटेड जोन है बायोस्फीयर के लिए. इफ़ यू टॉक अबाउट कि हाउ बायोस्फीयर इवॉल्व, तो एक प्रोसेस है बायोजेनेसिस, बायोस्फीयर उसके थ्रू इवॉल्व हुआ है. अब क्वेश्चन ये आता है कि बायोजेनेसिस बेसिकली होता क्या है, तो ये हम सबसे पहले देखेंगे. बेसिकली अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, न्यू ऑर्गेनिज्म कैन ओनली इमर्ज ओनली फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. मीन्स कोई भी न्यू स्पीशीज़ है वो प्रीवियस स्पीशीज से ही उसकी फॉर्मेशन होगी, वो खुद से इवॉल्व नहीं हो रही है. और ये इसके लिए जो बेसिक फिनोमिना सबको पता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही कोई एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या एक लिविंग विंग दूसरे लिविंग विंग को प्रोड्यूस करता है. और इट कैन बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल. तो ये हमने देखा कि बेसिकली कि बायोस्फीयर को इस किस प्रोसेस से इवॉल्व हुआ है, बायोजेनेसिस से. और बायोजेनेसिस क्या है कि किसी कोई भी स्पीशीज़ पहले स्पीशीज़ से, मींस कोई भी नई स्पीशीज़ पहली स्पीशीज़ से ही उसको उसका फॉर्मेशन हो रहा है, खुद से नहीं हो रही है. मींस लिविंग बींग का ओरिजिन लिविंग बींग है. तो इसको अगर फर्दर देखें कि इस थ्योरी के, ये थ्योरी के अकॉर्डिंग टू 3.5 बिलियन ईयर एगो बायोस्फीयर इवॉल्व हुआ. कितने, 3.5 बिलियन. तो अब इसके आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली ये कैसे इवॉल्व, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, ये सब हमने देखा. और अगर टिल दैट देखें तो बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ आउटर अर्थ, मींस विच सपोर्ट लाइफ. मींस अर्थ का कोई भी पार्ट हो सकता है जो लाइफ को सपोर्ट करे और सस्टेन करे लिविंग बींग की एक्टिविटीज़ को. होप ये आपको समझ आया होगा. अगर बात करें जो भी इकोलॉजी है उसके, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है. मींस कैसे, हमने लास्ट ईयर वीडियो में डिस्कस किया था इकोलॉजी में कि सबसे जो छोटा पार्ट है इकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का इंडिविजुअल होता है, देन पॉपुलेशन होता है, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम, एंड लास्ट वन इज बायोस्फीयर. मींस दिस इज द बिगेस्ट लेवल इन अ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो वो भी आपको समझ आया होगा कि ये कैसे रिलेटेड है इंडिविजुअल से. तो मींस वही जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ जहाँ मिल रहे हैं वो सब बायोस्फीयर. और उसके लिए तीनों कंपोनेंट, ये हमने देखा था लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोसफियर का होना कितना ज़रूरी है. अब ये हमने डिस्कस किया बेसिकली वॉट इज़ बायोस्फीयर. अब एंड इसको सबसे पहले टर्म किसने कॉइन किया था, बेसिकली बायोस्फीयर टर्म कॉइन बाई जियोलॉजिस्ट एडवर्ड
सुएस इन 1875। तो किसने कॉइन किया? एडवर्ड सुएस ने। तो ये यहाँ तक हमने पूरी डिटेलिंग की बायोस्फीयर की। अब इसके कंपोनेंट देखते हैं बेसिकली कि कंपोनेंट क्या क्या है बायोस्फीयर के। बेसिकली कंपोनेंट को जानने से पहले इसका एक्सटेंट देखेंगे, बेसिकली एटमोसफियर की रेंज क्या है। अगर हम इसको देखें बेसिकली कि इसकी रेंज क्या हो सकती है, इफ़ यू विजुअलाइज इट अर्थ एज एप्पल, मीन्स इट इज़ ए नैरो लेयर अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। एंड इफ़ यू विजुअलाइज अर्थ टू बी द साइज ऑफ एन एप्पल, द बायोस्फीयर वुड बी एज थिक एज इट इज स्किन ओनली। इफ़ यू अगर सपोज करिए हम इसको एज ए एप्पल कंसिडर करें, तो ये बहुत नैरो लेयर है, मीन्स जो इसकी स्किन है सिर्फ उसी को हम बायोस्फीयर बोलेंगे। अगर इसका एक्सटेंशन देखें अराउंड 200 मीटर बिलो द सर्फेस, मीन्स ओशियन सर्फेस, और अबव द 6000 मीटर अबव द सी लेवल, इस तरह से कुछ एक्सटेंशन है। बट इसको हम प्रॉपर वे में इसको मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज वी नो डैट डैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई, मीन्स वो एक्सट्रीमली डाइवर्स कंडीशन में भी रह सकते हैं। अब वो कैसे हम नहीं देखेंगे आगे फर्दर। यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है, अगर हम सपोज करें कि बायोस्फीयर की रेंज क्या है, तो ये अर्थ है। ये हमको पता है जो अर्थ का कितने लेयर होते हैं, एक तो कोर होता है, देन मेंटल होता है, एंड अपर मोस्ट इज क्रस्ट। तो यहाँ पे एक्सटेंशन अगर एक रफ वे में देखें तो बायोस्फीयर यहाँ से कहाँ तक है, अर्थ क्रस्ट से लेके जो लोअर एटमोसफियर एक तरह से देख सकते हैं। तो ओशन डेप्थ टू द लोअर एटमोसफियर हम इसका एक्सटेंशन मान सकते हैं बायोस्फीयर का। अगर इसको कुछ एग्जांपल की हेल्प से देखें, सपोज करिए जैसे बर्ड फ्लाई कर सकती है अराउंड कितने एल्टीट्यूड तक वो कर सकती है, 650 to 2000 meters। और फिश को अगर देखें वो अराउंड, ये तो हाइट हो गई, एंड अगर डेप्थ देखें तो अराउंड 8372 meters तक वो हमको कहाँ पे मिल सकती है, इसका अगर एग्जांपल देंगे पोट्री और इकन ट्रेंच में। तो ये कुछ हाइट के साथ एग्जांपल्स हैं, तो थोड़ा इसको समझने के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज ऑलरेडी वी डिस्कस डेट कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई एक्सट्रीमली डाइवर्स लोकेशन ऑन द अर्थ। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रूपेल वल्चर हो गया, वो कितने अल्टीट्यूड तक मिल सकता है, अराउंड 11,300 meters तक हमको मिल सकता है। बार हेडेड गीज हो गए, वो माइग्रेट कर सकते हैं कितने अल्टीट्यूड पे, 8,300 meters पे माउंट एवरेस्ट के मीन्स ऊपर। एंड अगर ये आपका एग्जांपल देखें तो ये कहाँ कितने एलिवेशन पे मिल सकता है, 3200 to मीन्स ये आग कितने पे मिल सकता है, 3200 to 5400 meters एबव द सी लेवल। अब माउंटेन गोट्स हो गए, जैसे वो 3000 माउंटेन गोट्स हमको कहाँ तक, मीन्स बकरी कहाँ तक हमको देखने को मिल सकती है, 3050 meters तक हम इसको देख सकते हैं। अगर बात करें प्लांट्स की, तो टिनी जो भी टाइन पाम्स होते हैं, मीन्स पाम ट्री, आपको पता होगा माउंटेन कोकोनट्स जो भी रहते हैं, 3400 meters तक हमको एबव द सी लेवल, क्योंकि हाइट हमेशा हम किससे मेजर करते हैं, सी लेवल से। अगर ये हमने देखा एनिमल और कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल, अगर बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, लाइक बैक्टीरिया एंड आर्कियो बैक्टीरिया, मीन्स आर्किया मिलते ही एक्सट्रीम कंडीशन में, आर्किया बैक्टीरिया अगर देखें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर ये कैपेबल होते हैं बियर करने में। तो इनका जो एक्सटेंशन अराउंड 5400 meters तक इनको, ये सी लेवल के 54 meters तक हमको मिल देखने को मिल सकते हैं हाइट पे। अगर बात करें डेप्थ की, तो ये 9000 meters तक हमको डेप्थ पे मिल सकते हैं क्या, बैक्टीरिया एंड आर्किया बैक्टीरिया। तो होप इसका एक्सटेंशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब डिस्कस करते हैं बेसिकली इसके कंपोनेंट क्या हैं बायोस्फीयर के। अगर एक्सटेंड मीन्स इसके जो बेसिक टाइप है, इसके जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो सबसे पहले देखें कि बेसिकली ये कंपोनेंट, दोनों प्रिंसिपल कंपोनेंट, ये दो प्रिंसिपल लिविंग और नॉन लिविंग, और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है सनलाइट। बिकॉज बिना सनलाइट के जो ये इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिना सनलाइट के लिविंग बींग भी कुछ फूड का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और जब तक लिविंग नहीं होंगे तो फिर बायोस्फीयर हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हम तीनों को कंबाइन फॉर्म में लेके चलेंगे। अगर बात करें लिविंग और नॉन लिविंग के, बेसिकली ये रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं कि इसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं, बेसिक डिमांड होती हैं लाइफ फॉर्म से, और एनर्जी किससे ऑब्टेन करते हैं, सनलाइट से। तो अगर बात करें कि लिविंग बींग्स बेसिकली क्या हैं, तो लिविंग बींग्स में हम थ्री मेजर कैटेगरी क्या होते हैं, एक तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, देन कंज्यूमर्स होते हैं, देन डीकम्पोजर्स।
कंज्यूमर्स भी ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मीन्स से जो कुछ क्या होते हैं वेजिटेरियन मीन्स से जो हर्बीवोर्स होते हैं, देन कार्निवोर्स, देन ओमनीवोर्स। तो ये आपको क्लियर होगा। हर्बीवोर बेसिकली जो प्लांट को ईट करते हैं मीन्स वेजिटेरियन, कार्नी नॉन वेज, एंड ओमनी लाइक मैन, मैन ये हो गया कि कुछ मैन और सॉरी जो वेज नॉन वेज दोनों खा सकते हैं लाइक मंकी एंड मैन, इसका एग्जाम्पल है। तो अब डिटेल में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिकली डिस्कस करेंगे। अगर बायोस्फीयर में देखें कि अराउंड कितने प्लांट स्पीशीज़ हैं या कितने ऑर्गेनिज्म, अराउंड कितने ऑर्गेनिज्म 3 to 30 million स्पीशीज़ एग्जिस्ट करते हैं। ये प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, फंजाई, प्रोकैरियोट्स, एसेल्युलर यूकैरियोट्स हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। बट अभी क्या है कि हमने ओनली कितने कितने स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया, सिर्फ 1.5 million स्पीशीज़। बहुत ही कम है अगर टोटल के उसके अकॉर्डिंग देखें, हैं कितने प्रेजेंट, अराउंड 3 to 30 million, बट हम कितने कितने को आइडेंटिफाई कर पाए अभी तक, ओनली 1.4 million स्पीशीज़। अगर बात करें कि हम अगर और इससे ओनली 1% की हम अभी तक इकोलॉजिकल रिलेशनशिप को और क्या इन्वायरमेंट पर रोल है उनको स्टडी कर पाए, मीन्स ओनली 1% हम स्टडी कर पाए बेस स्पीशीज़ की। अभी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। बट एक और इसके साथ देखें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ खुद ही एक्सटिंक्ट हो गए। मे बी उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए अभी तक, बट वो बिफोर उनके आइडेंटिफिकेशन से उससे पहले ही उनका एक्सटेंशन हो चुका है। और ये एक बहुत ज़्यादा मीन्स एक ट्रीमेंडस डाइवर्सिटी होती है लाइफ की, और वो नेचुरल जो इकोलॉजिकल ग्रुप्स हमने अभी पढ़े थे लास्ट स्लाइड में, जितने भी नेचुरल इकोलॉजिकल ग्रुप से क्या मीन्स है, लाइक पॉपुलेशन हो गया, कम्युनिटी हो गया, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, इन सभी में ये क्या है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मीन्स इंटरलिंक करते हैं और रिलेटेड एक दूसरे से अपने लाइफ को कैसे सस्टेन कर दें एक दूसरे के उस पे जाके। फिर इनके इंटरेक्शन से ये फर्दर लेवल इवॉल्व हुआ है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, देन बायोम, देन बायोस्फीयर। तो ये हो सके, और बायोम सबसे जो हाईएस्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है अगर हम देखें। तो अब यहाँ तक हमने डिस्कस किया बायोटिक फैक्टर। अगर बात करें बायोटिक फैक्टर्स की, सॉरी एबायोटिक की मीन्स नॉन लिविंग की, तो दीज फैक्टर मे बी मीन्स मे नॉट मे बी दे आर आइदर रिसोर्सेज और कंडीशन। मीन्स बहुत सारे ये वेरिएबल फैक्टर होते हैं और ये मीन्स कंज्यूम किए जाते हैं जो ऑर्गेनिज्म में, मीन्स कुछ हो सकता है कंज्यूम किए जाएं बट कुछ नॉन डिप्लेटेबल होते हैं, मीन्स वो उनको कंज्यूम नहीं करते, बट दे हैव डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म, डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इम्पैक्ट्स, लाइक जैसे टेम्परेचर हो गया, एसिडिटी हो गई, सैलिनिटी, ऑस्मोलैरिटी हो गया जैसे, एंड रेडिएशन। अब इनका अगर इम्पैक्ट देखें लाइक कुछ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा टेम्परेचर के साथ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, कुछ कम के साथ, मीन्स के एबायोटिक फैक्टर कैसे डिस्टर्ब करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को या उसकी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करते हैं वो हमने देखा। कुछ एसिडिक कंडीशन में ही ग्रो करते हैं, कुछ सेलाइन कंडीशन में, कुछ ऑस्मोसिस के थ्रू अपना लाइफ मीन्स स्पैन को वो जीते हैं, लाइक अमीबा हो गया। और रेडिएशन का कितना इम्पैक्ट है लास्ट स्लाइड में देखा था, डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर होती हैं सी की और पॉइंट की, उन पर डिफरेंट लेयर पर डिफरेंट हमको एल्गी देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंक्ट रेडिएशन कंजप्शन। मीन्स उनका क्या है कि सनलाइट का कंजप्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उसी की इंटेंसिटी जितना वो कैपेबल है बियर करने में उसी के अकॉर्डिंग वो हमको मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर में। अगर बात करें कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, ये सब इम्पैक्ट है, जैसे डायर्नल रोटेशन होता है अर्थ का, एनुअल रोटेशन होता है उसके बेस पे। डायर्नल मीन्स एक जो हम दिन का देखते हैं, दिन और रात होते हैं, और एक पूरे साल का जो पूरे एक होता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व मतलब एक्सिस पे वो रोटेट कर रही है, और एक होता है कि अर्थ के चारों ओर। तो इन सब से भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती रहती हैं, जितने भी सेंट्रीफ्यूगल मोशन होते हैं जितने भी प्लेनेट के, और कन्विक्शन करंट, इन सबसे भी काफ़ी इनका चेंज होता है। कन्विक्शन करंट हम फर्दर अगली वीडियो में देखेंगे कि कन्विक्शन करंट कैसे मीन्स चेंज करती हैं मौसम को या सीज़न को, इनमें क्लाइमेटिक कंडीशन को कैसे चेंज करते हैं। तो ये बहुत सारे चेंजेस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू हम देख सकते हैं, बट ये एबायोटिक कंडीशन ऑर्गेनिज्म भी हैम्पर कर सकते हैं। सपोज करिए अगर कहीं एब्सेंस है ऑक्सीजन की, तो जितने हेट्रोमॉर्फिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं पीएच को सॉइल की,
अगर पीएच जब रिड्यूस हो जाएगा तो एसिडिटी, मीन्स हमको पता है कि अगर 7 से कम पीएच है तो एसिडिक होता है, अगर एबव है तो वो बेसिक होता है, तो इससे एसिडिटी, जो एसिडिटी वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर पीएच कम हो जाता है इनके प्रेजेंस से, तो ऐसे ही वो करते हैं अभी। पर मैंने बोला था कि एज ए रिसोर्स भी काम करते हैं, कंडीशन भी। अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे इस स्टेटमेंट को? बेसिकली रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स वही है कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करे, बेसिकली ये एक तरह से संसाधन होते हैं, और जब तक ह्यूमन उसको, ह्यूमन यूटिलाइज करे या कोई अदर ऑर्गेनिज्म, तो ये बेसिकली कंजप्शन के लिए होता है। इसमें जैसे ऑर्गेनिक फूड हो गया, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गए प्लांट के लिए, लाइट हो गई, स्पेस हो गई, इस तरह से। और जो सिंगल मोस्ट रिसोर्स है वो क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है अगर अर्थ पे देखें तो सनलाइट होता है, और इसकी थ्रू ही जो एनर्जी प्लांट्स में आती है और उसी पे बेस्ड है पूरा बायोस्फीयर अगर देखें तो। अगर बात करें कि अगर क्या है कि कोई भी एक रिसोर्स किसी के लिए कंडीशन हो सकता है, किसी के लिए रिसोर्स हो सकता है। सपोज करें अगर सोलर रेडिएशन है, वो कंडीशन है, कंडीशन किसके लिए है, वो कंडीशन किसके लिए हो सकती है, एक इंसेक्ट के लिए, बट वो रिसोर्स किसके लिए है, प्लांट के लिए, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहा है। और कंडीशन क्या है कि एक जिसमें हम सर्वाइव कर पा रहे हैं उस तरह से। तो अगर सेम ही बात करें कि अगर ये हो कि कोई भी जो फैक्टर है वो रिसोर्स और रिसोर्स एंड कंडीशन एक साथ हो सकता है, तो ऑब्वियसली यस, डेफिनेटली हो सकता है। अब एग्जांपल कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब इसमें हम वाटर का अगर एग्जाम्पल लें तो इसको प्लांट कैसे यूज़ करते हैं, रिसोर्स की तरह। बट अगर हैवी रेनफॉल हो जाए तो ये क्या करेगा, मे बी जो विच माइट बी लोड लोड द प्लांट और वॉश इट अवे, मीन्स रिप्रेजेंट ए कंडीशन। अगर कहीं पे रेनफॉल हो जाए तो ये क्या होगा, प्लांट को डैमेज कर देगा, मीन्स पूरा ले जाएगा अपने साथ, तो इससे क्या होगा, ये कंडीशन क्रिएट होगी। तो होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कोई भी रिसोर्स, जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, ये रिसोर्स या कंडीशन कुछ भी हो सकते हैं, और कंडीशंस वेरिएबल करती हैं बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर को, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं और कुछ नहीं करते, बट इनका इम्पैक्ट होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किस पे, बिहेवियरल और फिजिकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म पे, लाइक टेम्परेचर हो गया, अभी डिस्कस किया था, एसिडिटी, सैलिनिटी, रेडिएशन हो गया, और ये वाली जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं, जैसे अर्थ के रोटेशन से, एक्सिस पे उसके घूमने से, ये सब हमने अभी पढ़ा फर्दर कि ये कैसे हार्म होते हैं एक दूसरे से। और इसके साथ ही हमने देखा कि जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ भी हो सकते हैं जिनको हम कंज्यूम करें, या कोई अदर ऑर्गेनिज्म, फूड हो गया, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गए प्लांट्स के लिए, लाइट स्पेस, ये सब। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था रिसोर्सेज, रेडिएशन था। एंड अगर बात करें कि कोई भी ये अगर कंडीशन और रिसोर्सेज किसी ऑर्गेन के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, सोलर रेडिएशन का एग्जांपल लिया था, उसमें क्या था कि इंसेक्ट के लिए वो कंडीशन है, बट वो रिसोर्स किसके लिए, प्लांट के लिए, सोलर लाइट। और अगर बात करें वाटर, तो वो रिसोर्स प्लांट के लिए, बट वो कंडीशन भी क्रिएट कर देता है, कब, जब ज़्यादा फ्लड वाली सिचुएशन आ जाए, अगर सबको एक साथ मूव करके, मीन्स बहा के ले जाए। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि बायोस्फीयर एक्चुअली कैसे रेगुलेट होता है, तो वो हम डिस्कस करें, जैसे जो एलिमेंट होते हैं लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड सल्फर, तो ये क्या है कि किसका कोर है, मीन्स दे फॉर्म द कोर ऑफ कोर प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीन्स अगर प्रोटोप्लाज्म को अगर डिफाइन करें तो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म होता क्या है कि बेस ऑफ लाइफ है। ये टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मीन्स ये टोटल 6 हैं। अगर फर्स्ट फोर की बात करें तो ये 99% सेल का जो मास फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स सेल का जो पार्ट है वो 99% इन चारों एलिमेंट्स का बना होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। और प्रोटोप्लाज्म में अगर देखें तो ये 6 जो एलिमेंट हैं ये उसको बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म को। एंड ऑल दीज एलिमेंट आर साइकल्ड इन बायोस्फीयर थ्रू द बायोकेमिकल साइकल्स, थ्रू द बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल बेसिकली जो साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट है वो हम फर्दर वीडियोस में वन बाई वन डिस्कस करेंगे, ये फॉस्फोरस, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, और उस ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यही इंश्योर करते हैं कॉन्स्टेंट एनर्जी एंड मटेरियल फ्लो, जो भी एनर्जी है उसका कॉन्स्टेंट फ्लो एंड मटीरियल फ्लो।
विद इन बायोस्फीयर। मीन्स ये एलिमेंट बेसिकली जब इनकी साइकिलिंग होगी तो उसी से फर्दर बायोजेनेसिस और सब ऑल जो फिनोमिनाज है वो इंटरलिंक्ड है, और इसी के साथ फिर ये इंश्योर करते हैं एनर्जी और मटेरियल फ्लो का। तो उसी के बेस पे एक बायोस्फीयर की जो मैकेनिज्म है वो रेगुलेट होती है। होप ये आपको पूरा टॉपिक डिस्कस जो किया है वो समझ आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।